नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। हम सभी ने देवों के देव महादेव की ओर से बालक गणेश के सर को काटने फिर उस स्थान पर हाथी के बच्चे के सर को लगाने के बारे में सुना है, परंतु क्या आप जानते हैं कि बालक गणेश के काटे गए सर का क्या हुआ, आखिर वह सिर कहाँ गया? आइए आज आपको यह बताते हैं कि बालक गणेश का कटा हुआ वह सिर भारत के किस स्थान पर पड़ा है, यह पावन स्थल कहाँ है, बल्कि वहाँ पर एक ऐसा पत्थर भी पड़ा है जो कलयुग के अंत की जानकारी देता है। इस गुफा मंदिर के अन्य रहस्य के बारे में भी आपको अवगत करवाते हैं। कहाँ पर विद्यमान है गुफा मंदिर? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है, क्योंकि इस पावन गुफा में देवों के देव महादेव भगवान शिव व माता पार्वती के सुपुत्र बालक गणेश का कटा हुआ सिर आज भी विद्यमान है। इस गुफा की सबसे खास बात यह है कि यह पावन गुफा एक विशाल काय पहाड़ी के भीतर 90 फीट अंदर को बनी हुई है। यह गुफा उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के नगर अल्मोड़ा में शीरा घाट जाते हुए मनोरम पहाड़ी वादियों के बीच बसे कस्बे गंगोली हाट में स्थित है। इस गुफा को पाताल भुवनेश्वर गुफा के नाम से पुकारा जाता है। यह गुफा कई चमत्कारों को अपने आप में समेटे हुए है। यहाँ पर विद्यमान है बालक गणेश का कटा हुआ सर। बुद्धि के देवता के तौर पर पूजे जाने वाले भगवान श्री गणेश जी को हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य देवता का दर्जा प्राप्त है। भगवान श्री गणेश के जन्म के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर प्रवेश न होने पर क्रोधवश बालक गणेश के सर को धड़ से अलग कर दिया। बाद में माता पार्वती के कहने पर भगवान गणेश को हाथी के बच्चे का मस्तक लगा दिया, परंतु बालक गणेश के शरीर से अलग हुए सर को भगवान शिव ने इस पावन गुफा में रख दिया था। गुफा मंदिर में 108 पंखुड़ियों वाला कमल। पाताल भुवनेश्वर के गुफा मंदिर में भगवान श्री गणेश के कटे हुए सिर रूपी मूर्ति के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला ब्रह्म कमल सुशोभित है। इस दिव्य कमल को भगवान शिव ने खुद अपने हाथों से स्थापित किया था। इस ब्रह्म कमल से निकलने वाला पानी भगवान गणेश के शिला रूपी मस्तक पर बूंद बूंद रूप में टपकता है। मुख्य रूप आदि गणेश के मुख में गिरती हुई दिखाई देती है। गुफा में मौजूद है भगवान श्री केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ जी। पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ पर भगवान श्री केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ जी के भी दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ में बद्री पंचायत की शिला रूप मूर्तियाँ हैं, जिनमें यम, कुबेर, वरुण देव, माता लक्ष्मी, श्री गणेश तथा गरुड़ शामिल हैं। तक्षक नाग की आकृति भी गुफा में बनी चट्टान में नजर आती है। इस पंचायत के ऊपर बाबा अमरनाथ की गुफा है। इस पत्थर की बड़ी बड़ी जटाएं फैली हुई हैं। इसी गुफा में काल भैरव की जीव के दर्शन होते हैं। इसके बारे में मान्यता है कि मनुष्य काल भैरव के मुंह से गर्भ में प्रवेश कर पूंछ तक पहुंच जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पत्थर बताता है कब होगा कलयुग का अंत। इस गुफा में चारों युगों के प्रतीक रूप में चार पत्थर विद्यमान हैं। इनमें से एक पत्थर जिसे कलयुग का पत्थर कहा जाता है, इस बारे में कहा जाता है कि यह पत्थर धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। जिस दिन इस कलयुग का प्रतीक पत्थर ऊपर की दीवार से टकरा जाएगा उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। पाताल भुवनेश्वर गुफा का पौराणिक महत्व। स्कंद पुराण में वर्णन है कि स्वयं देवों के देव महादेव शिव पाताल भुवनेश्वर में विराजमान रहते हैं। अन्य समस्त देवी देवता उनकी स्तुति करने यहाँ पर आते हैं। कहा जाता है कि त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्ण जब एक जंगली हिरण का पीछा करते हुए इस गुफा में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने इस गुफा के भीतर महादेव शिव सहित 33 कोटि देवताओं के साक्षात दर्शन किए थे। द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ पर चौपड़ खेला और कलयुग में जगद्गुरु आदि शंकराचार्य का 822 ईस्वी के आसपास इस गुफा से साक्षात्कार हुआ। तब उन्होंने इस पावन गुफा में तांबे के एक शिवलिंग को स्थापित किया। गुफा में शेषनाग की प्रतिमा, गुफा में स्थापित जल स्रोत, गुफा में स्थापित हंस की प्राकृतिक मूर्ति भक्तों के मन में भगवान के प्रति एक गहरी आस्था को प्रवाहित करती है। तो दोस्तों, यही थी उस स्थान से जुड़ी जानकारी जहां भगवान श्री गणेश का कटा हुआ सर शिला रूप में विद्यमान है। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।